भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक ने 3 मामलों का किया खुलासा। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आदित्य मामले को लेकर प्रेस वार्ता में कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया 23 फरवरी को रात्रि में सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर में संगीता सिंह पति अजय कुमार सिंह के घर में घुसकर 3 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा मोबाइल एवं जेवर लूट लिया गया, जिस संदर्भ में सुल्तानगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। जिस कांड में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर डॉक्टर गौरव कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष विधि व्यवस्था भागलपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना के आधार पर घटना में लूटा गया। दोनों मोबाइल ग्राम पीलीदरी बिंद टोला निवासी अंकित कुमार और रजनीश कुमार पास से बरामद कर लिया गया है एवं दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों का पहचान कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी एवं शेष लूटे हुए सामान की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले में अवैध बालू के खनन एवं परिवहन पर पूर्णत रोकथाम हेतु अवैध खनन एवं परिवहन तथा ओवरलोडिंग में संलिप्त खनन माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर गोराडी की सीमा पर ग्राम बरोकर सारत एवं बड़ी दोस्तनी में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिस खनन माफियाओं के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के आलोक में 5 मार्च की रात्रि में पुलिस उपाध्यक्ष विधि व्यवस्था भागलपुर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन करते हुए ग्राम बड़ी दोस्तनी से खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा अवैध बालू के खनन करने में प्रयोग किया जा रहे कुल 6 बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं तीसरे मामले में जगदीशपुर अंतर्गत दिनांक 5 मार्च को सूचना मिली कि उजले रंग के वाहन में लादकर विदेशी शराब झारखंड के हंसडीहा से भागलपुर के रास्ते से होते हुए नवगछिया की तरफ जा बाईपास टीओपी के पास वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के क्रम में 7 बजे सुबह तकनीकी टीम ने सूचित किया दोनों पिकअप बाईपास पहुंच रहा है। सभी सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों पिकअप को रोका गया तो जिसमें एक पिकअप चालक भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से 3 युवकों को पकड़ा गया। तत्पश्चात वाहन में शराब के कार्टून के ऊपर आलू एवं प्याज का बोस लदा हुआ वाहनों को विधिवत जांच करते हुए एक पिकअप पर 668.50 लीटर ब्लू गोल्ड एवं दूसरे पिकअप पर 90 लीटर ब्लू गोल्ड अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। देखिए, दो त्योहार है, एक तो कल होलिका दहन है और जिसमें कि बुराई पे अच्छाई की जीत की याद में इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं और दूसरा त्योहार शबे बारात है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को उनकी जो कब्र है, मजार है, वहाँ पर जाके और प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके अच्छे गुणों को याद करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि चूंकि यह दोनों ही त्यौहार बुराई पे अच्छाई और अच्छे गुणों को याद करने वाला त्यौहार है, तो इसमें कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें कि आपको परेशानी हो या आपके आसपास जो व्यक्ति हैं उनको परेशानी हो, या आप ऐसा कृत्य कर दें जिससे कि पुलिस का इंटरवेंशन हो और आपके जीवन में परेशानी करे। जो सर आपकी आदि है उनको क्या कहना चाहते हैं कि सर आप नहीं पिए, देखिए शराब पीना तो अपने आप में बहुत ही गलत चीज है और शराब पीने से धन की बर्बादी तो होती है, मन भी बहुत गंदा होता है, समाज में गंदगी होती है, वैमनस्यता फैलती है। तो हमारी अपील है, और वैसे भी यहाँ शराबबंदी चल रही है, तो सभी भागलपुर की जो जनता है उनसे अनुरोध है कि ऐसा किसी भी नशे का सेवन नहीं करें जिससे कि आपका जीवन खराब हो और आपके समाज में चीजें खराब हो। हर चौक चौराहे पर देर रात तक पुलिस जांच भी कर रही है शराब पीने वाले पर, उसमें लगातार टेस्टिंग की जा रही है और उसमें जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उसमें एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और उनको माननीय न्यायालय में अग्रसार किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ जो अति संवेदनशील जगह है वहाँ पे हम लोग ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात कर रहे हैं। पूरे शहर को 8 सेक्टर में बांटा जा रहा है और उसके लिए एक स्पेशल QRT रहेगी, जो कि हम लोग का लक्ष्य ये है कि कहीं भी कोई इंसिडेंट हो तो 10 मिनट के भीतर हमारी जो QRT मोटरसाइकिल पार्टी है वह वहां पहुंच जाए ताकि कोई भी छोटा इंसिडेंट एक बड़े घटनाक्रम में परिवर्तित नहीं हो। डायल 112 तो चल रहा है हमारे शहर में और उसको 11 विभिन्न लोकेशन पर तैनात किया गया है। उसमें जो भी मुख्यालय पर कॉल जाती है किसी भी इमरजेंसी इंसिडेंट में, तो उसके आधार पर वो रिस्पॉन्स करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हम लोग समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके रिस्पॉन्स टाइम में पिछले कई महीनों से लगातार सुधार हो रहा है। बहुत जगह तो हमारी गाड़ियां 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में भी पहुंच रही हैं। थाना क्षेत्र
वाहनों की जब्ती की गई है जो कि अवैध खनन में सम्मिलित हो या अवैध खनन से जो माल निकल रहा है, चाहे वो गिट्टी हो बालू हो, उसके परिवहन में सम्मिलित रहे हैं। उस क्रम में जगदीशपुर गोराडी बॉर्डर पर 3 गांव पड़ता है, वहां पे SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में छापेमारी हुई। ये गांव भरोखर, सारथ और बड़ी दस्तानी, उसके पास छापेमारी की गई है। उसमें 6 ट्रैक्टर जो रेड सैंड है उसमें अवैध खनन करते हुए और उसका परिवहन करते हुए पकड़े गए लोग, ट्रैक्टर पकड़े गए। आदमियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो इसमें सम्मिलित थे उनको चिन्हित किया गया है और उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें ये कोतवाली थाने का मामला था और इसमें एक सोनापट्टी में दुकान से लगभग 15 किलो चांदी उसी के स्टाफ के द्वारा और ताला काट के चुराया गया था। 15 घंटे के भीतर पुलिस ने उन दोनों जो उसमें शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई और पूरे जो जेवर थे उसकी बरामदगी की गई है। एक बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य टीम के द्वारा किया गया है। इसमें जो हमारे टीम जो इंस्पेक्टर हैं और भी सब इंस्पेक्टर इसमें सम्मिलित, ये DSP सिटी के नेतृत्व में एक SIT थी वो काम कर रही थी, उसको पुरस्कृत करने के लिए DIG महोदय के पास भी प्रस्ताव भेजा जाए। कहाँ था पुलिस बल लगाया गया सर? 30 स्थान पर होली को लेकर।